लाखन ने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया, वो मेरी सच्चाई नहीं जानता। मतलब आपकी सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं, तो फिर आपको इस राज को राज रखने के लिए कीमत चुकानी होगी रानी का इतनी। आपको लाखन को स्वर्णा से दूर रखना होगा। स्वर्णा ने एक पत्नी एक राजकुमारी की मर्यादा को भंग किया है। वो हमारी पत्नी और हमारे होते हुए वो किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखें, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी जान, उनके तन, उनके मन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। वो सिर्फ हमारी है, हमारी। और आप उस पर अपनी लगाम कसोगी, तब जाकर हम आपको आपके पति के साथ रहने देंगे। ठीक, और आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। हमें आपका सौदा मंजूर है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं रानी जी? आप कैसे छोटे कुंवर जी को वादा कर सकती हैं कि मैं राजकुमारी से दूर रहूंगा? देखिए, मेरी जिंदगी पे आपका हक हो सकता है, लेकिन पर मेरे दिल पे नहीं। आप जानती हैं ना, लाखनिया सिर्फ स्वर्णा के लिए आया था, और उस जानवर ने ना स्वर्णा को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ। और आपने क्या किया? आप जाकर उस जानवर से हाथ मिलाया, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता ये करने का, पर मेरा विश्वास करो, स्वर्णा की खुशियाँ मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं भी स्वर्णा को उनकी खुशियां लौटाना चाहती हूँ, पर ये खुशियां सिर्फ राणा जी लौटा सकते हैं। आज के राणा जी नहीं, एक बार पुराने राणा जी लौट आएंगे, वो स्वर्णा पर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। स्वर्णा की भी इसी में भलाई है। आप ठीक कह रहे हो रानी जी। देखिए, मैं ना आपसे माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, ज्यादा बोल गया। आप कितनी मेहनत करते हो, रात दिन पहरेदारी करते हो, अरे मेरी बात मानो, बनारसी पान खाओ, खाते ना थकान मिट जावेगी। अरे खाओ खाओ। हमारी खुशी में एक जाम मारी लो। मन में गायत्री के लिए नफरत भरती, और जब हमने गायत्री की सच्चाई बताने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं और बाकी सब सच। रागेश्वरी ने राणा जी की नजरों में हमें राजद्रोही साबित कर दिया। एक माँ को उसके बेटे के हाथ से सजा दिल पाई, इसका मतलब मैं सही थी। रानी जी, अगर गणी पावरी बदतमीजी ना करती ना, तो यो तीर तारे को गंगा जी के पार उतार देता। हाँ, क्या हमारे महल में हमारी रानी के ऊपर तीर चलाने की हिम्मत किसने की? जाओ जाके देखो कौन है। रानी रागेश्वरी, आप ठीक तो हैं ना? अच्छा जी, क्यों, कैसे? गद्दार, अगर मौत मुझ तक आई तो तू भी नहीं बचेगा।